हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे एसएससी जीडी मैथ्स, अंकित भाटी सर की बुक एसएससी जीडी मैथ्स। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक होगा। जैसे कि आप सभी को मालूम है, 2025 में एसएससी जीडी के लिए एक एग्ज़ाम होगा बहुत ही ज़बरदस्त। तो उस एग्ज़ाम के लिए हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त अवसर बेंच चलाया है। तो उस अवसर बेंच में आपको एसएससी जीडी मैथ से रिलेटेड सभी खतरनाक और बेस्ट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको ज़बरदस्त तरीके से सिखाया जाएगा। तो आज की वीडियो हमारी चल रही है चैप्टर नंबर 7 प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। इससे पहले मैंने 56 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बता दिया है। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 57 से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। आप एक एक पॉइंट को क्लियर कीजिए। देखो, पी ने 20% की हानि पर कोई वस्तु क्यू को 18,000 रुपये में बेची। देखो, पी ने 20% की हानि पर क्यू को बेची। अगर पी ने खरीदी थी 100 में, तो यहाँ क्यू ने उसे 80 में खरीदा, क्योंकि 20 की हानि पर क्यू ने उसे खरीद लिया। और क्यू इसे आर को उस मूल्य पर बेचता है जिसमें पी को 8% का लाभ होता है। देखिए, पी को 8% का लाभ, यहाँ 108 बनता है। तो क्यू ने इसे बेचा, क्यू ने खरीदा था इसको 80 में, बेच दिया 108 में, तो यहाँ से उसे लाभ हो गया 28 का। तो 80 पर आप 28 का लाभ लेंगे तो Q द्वारा प्राप्त लाभ परसेंट मालूम हो जाएगा। बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन। 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 सत्ते 28, 7 पंजे 35। तो Q को प्राप्त हुआ लाभ 35% का, Q का लाभ परसेंट, तो Q का लाभ परसेंट होगा 35%। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका 35%। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, यूसुफ ने 5500 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसे 15% के लाभ पर बेच दिया। इसको उस धनराशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और उसे 12% के लाभ पर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ कितने रुपए है? अब देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल। दो बार उसने लाभ लिया, पहला 5500 रुपये का 15% लाभ लिया, कितना बैठ गया? देखिए, परसेंट से मैंने 20 काटा, 15 पंजे 75, 7 लीजिए 825 रुपये का पहला लाभ कमाया। फिर ये 825 रुपये जो लाभ ले है इसने, इसी में जोड़ेंगे, ये हो जाएंगे 6325। रुपये हो जाएंगे, क्लियर? 5500 रुपये में 825 का लाभ जोड़ेंगे, क्योंकि उसने कहा उस धनराशि से जो लाभ लेके बनी उससे उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और उसे फिर 12% के लाभ पर बेचा। तो इसे अब वह वस्तु 1325 की हो गई, इस पर 12% का लाभ लेंगे तो यहाँ पर कुल लाभ आ जाएगा 825 रुपये का ये लाभ, और यहाँ से हमें लाभ मिलेगा 4 × 3 = 12, 4 × 25 और 25 × 50 = 13, 25 × 125, 7 × 25 = 75, क्लियर? अब गुणा करेंगे, 3 × 3 = 9 और 25 × 75, ये हो गया हमारा कुल लाभ। अगर हम इन दोनों को जोड़े तो हमारा कुल लाभ आ जाएगा। देखो, जोड़ लेते हैं, 9 × 5 = 14, 5 × 2 = 7 × 1 = 8, 8 × 7 = 15। देखिए, 1584 रुपये हमारा कुल लाभ है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1584 रुपये का लाभ। क्वेश्चन नंबर 59, देखिए क्वेश्चन नंबर 59, मोहित 3 रुपये प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है और 5 रुपये प्रति अंडे की दर से उन्हें बेचता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रति अंडे का मतलब हुआ एक अंडा 3 रुपये में खरीदा
और एक अंडा 5 रुपये में बेचा। इसका मतलब हुआ एक अंडे पर 2 रुपये का लाभ हुआ, 3 में खरीदा और 2 रुपये का उसे लाभ हुआ एक अंडे पर। बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई। अब चाहे आप 35 अंडे बेच दो, चाहे आप 100 अंडे बेच दो, चाहे आप 1000 अंडे बेच दो, जितना एक अंडे पर उसे लाभ परसेंट मिलेगा उतना ही 35 अंडे पर, 40 अंडे पर या 100 अंडे पर या कितने ही अंडे आ जाए बेचने पर उतना ही लाभ परसेंट उसे होगा जितना उसे एक अंडे पर प्राप्त हुआ है। तो देखो यहाँ 3 रुपये में एक अंडे की दर से वह खरीद रहा है और बेच रहा है 5 रुपये अंडा, इसका मतलब एक पर उसे 2 रुपये का लाभ हुआ है, 3 से 5 में बेचा 2 रुपये का लाभ। देखिए 3 का खरीदा और लाभ हुआ उसे, आप पहले ये देखिए, अगर खरीदा उसने 3 का और बेचा उसने उसे 5 का, तो यहाँ पर आपको मालूम हो गया 3 पर 2 का लाभ हुआ, प्लस 2 बढ़ गए इसके लाभ के, तो 3 पर 2 का लाभ। अब चाहे 35 अंडे बेच लीजिए चाहे जितने, जब एक अंडे पर इतने रुपए का लाभ हो रहा है 2 का, तो 35 अंडों को बेचने पर भी उतना ही लाभ होगा, तो यहाँ से हमें लाभ परसेंट आ जाएगा 2/3। जैसे आप जानते हो 1/3 होता है 33.33, अब ये दुगना हो गया तो 66.66% का लाभ, यानी कि 2/3 होता है 66.66% का लाभ। देखिए कितना आसान और सरल शब्दों में हमने इसको सीख लिया। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, बिल्कुल इजी और आसान। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं। यदि मनोज 486 रुपये में 324 टोपियां खरीदता है। देखिए जब रुपये में कोई वस्तु खरीदी जाती है तो रुपये वाली संख्या ऊपर और वस्तु की संख्या नीचे लिखते हैं, 486 रुपये ऊपर और वस्तु, देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ रुपये बटे वस्तु, ऐसे लिखा जाता है इसको। 486 रुपये में 324 टोफियाँ खरीदी और इन पर खरीदी गई चीज़ों पर 50% लाभ लेकर बेच रहा है, 50% होता है 3/2, 50% का लाभ, क्योंकि 50% को ऐसे लिख देंगे 150% का बटे में 150 ये 150, 50 × 2 = 100 देंगे, 3/2 हो जाता है। 50% लाभ कमाने के लिए 90 रुपये में कितनी टोफियाँ बेचनी चाहिए, ये भी विक्रय हो गया इधर भी विक्रय हो जाएगा, 90 रुपये में कितनी टोफियाँ बेचनी चाहिए। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया और बस क्वेश्चन ख़त्म। अब देख लीजिए इसे कटिंग करते हैं, 6 × 48, 6 × 6, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 24, 27 × 3 = 81, 27 × 3 = 54, 3 × 3 = 9, 2 × 9 = 90 और 2 × 2 = 4 की गुणा इसमें करेंगे, विक्रय मूल्य आ जाएगा 4 × 2 = 40। तो 90 रुपये में कितनी टोफियाँ बेची उसने, 40 टोफी बेची, कितनी टोफी बेची उसने, 40 टोफियाँ उसने बेची। लीजिए क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 61, देखिए क्वेश्चन नंबर 61, यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाए, रुपये बटे वस्तु लिखेंगे, 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे गए केले, तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जाए कि 33 × 1/3% का लाभ हो। तो लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है, ये क्रय मूल्य बन गया, 1 रुपये में 4 खरीदे तो 33 × 1/3% होता है 1/3, तो 3/1 का लाभ होगा उसे, तो 4/3 में वह बेचेगा ऐसा। तो उसने कहा बताइए 1 रुपये में कितने केले बेचेंगे उसे इतने परसेंट का लाभ हो, तो मैंने 4 से 4 काटा तो 1 रुपये में 3 केले बेचेगा, लिख सकते हो 1 रुपये में 3 केले बेचे, बहुत आसान सरल, ये रहा 3 केले, बहुत ही आसान सिंपल, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62 भी बिल्कुल इजी बना दिया जाएगा, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में, ये वाला फॉर्मेट लगा है यहाँ पर ये, और इसमें लगेगा इक्वल टू इक्वल ये। 140 रुपये में 80 बॉल पेन खरीदे, रुपये बटे वस्तु, रुपये ऊपर, 140 रुपये में 80 बॉल पेन खरीदे, क्रय मूल्य आ गया, सॉरी 140 रुपये में 80 बॉल पेन बेचे उसने, विक्रय मूल्य है,
तो जब बेचे तो इधर विक्रय परसेंट आएगा, दुकानदार को 30% की हानि होती है, तो 70% में बेचे उसने, 30% लाभ कमाने के लिए इधर लिखा जाएगा 130, 30% लाभ कमाने के लिए उसने 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचे। चलिए बस ख़त्म क्वेश्चन देखिए, परसेंट से परसेंट, 70 दूनी 140 और 0 से 0 काटा 2 4 8 13 8 104, 8 की गुणा 4 में करेंगे, 8 6 32 लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ गया 32। तो कितने बॉल पेन बेचने चाहिए? 32 बॉल पेन बेचने चाहिए, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए, बिल्कुल राइट जवाब। क्वेश्चन नंबर 63, देखिए क्वेश्चन नंबर 63, रितु ने 12% की हानि पर एक वस्तु बेची, यदि वह से 55 रुपये 80 पैसे अधिक में बेचती तो 13% का लाभ होता, यानी कि जैसे उसने रेट बढ़ाया 55 रुपये 80 पैसे तो उसे हानि कवर करते हुए लाभ भी प्राप्त हुआ, हानि तो उसने 12% की कवर करी ली इस रेट को बढ़ाने से, बट उसे 13% का लाभ भी मिला, तो हानि और लाभ दोनों जुड़ जाएगा, 55.80 के बराबर है ये, तो 12 13 हो गया 25%, तो 25% के बराबर हो गया ये। अब जैसे यहाँ पर हम इससे इसको काटेंगे तो विक्रय से विक्रय काटेंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा, और क्रय पर 10% का लाभ लेने के लिए उसे कितने में बेचना है? 110%, 10% का लाभ लेने के लिए 10% का लाभ 100 में जोड़कर लिखेंगे 10 को, 110% में बेचेगा तो कितने रुपए में बेचेगा? अब इसको हल कर लेंगे, सिंपल सा तरीका है, परसेंट से परसेंट काटेंगे और इससे इसे काटेंगे, इससे इस पूरे को काटेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 245 रुपये 52 पैसे। हल कर लीजिए, बड़ा आसान सिंपल है, फॉर्मेट मैंने बना ही दिया, क्योंकि फॉर्मेट बनाने की कला आनी चाहिए मेन, कटिंग तो आप बाद में भी कर लेंगे वैसे भी कर लेंगे, लेकिन मेन चीज़ ये आया है, अगर यही नहीं सही बना तो कटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बना 245.52, ऑप्शन डी आता है। चलिए देख लेते हैं, गुरप्रीत एक दुकान पर गई और उसने एक सोफा खरीदा, उसे इस पर 20% की छूट मिली, लेकिन वह इस पर 30% की छूट अगर ले ले तो 1000 रुपये बच पाते हैं। देखिए 20 के बजाय उसने छूट 10% की करा ली, तो 10% बढ़ा ली उसने छूट, उससे उसे कितने रुपए बचे? 1000 रुपये। देखिए 10% के बराबर हो गया 1000 रुपये, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट, यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट है था। तो उसने सोफे को कितने मूल्य में खरीदा? देखो सोफे को उसने 20% की छूट पर खरीदा, जब 20 की छूट पर खरीदा तो 80% में उसने उसे सोफे को खरीदा। अब देखिए कितने रुपए में खरीदा, परसेंट से परसेंट, 0 से 0, 1000 के 8 में गुणा करेंगे, 8000 रुपये में उसने खरीदा। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, 8000 रुपये में उसने सोफे को खरीदा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 8000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 65, देखिए क्वेश्चन नंबर 65, एक सेल्समैन ने घड़ी 9% की हानि पर बेची, यदि विक्रय मूल्य 140 रुपये अधिक होता तो 5% का लाभ हो जाता, जैसे ही रेट बढ़ा अधिक बराबर अधिक हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में, जैसे ही 140 रुपये अधिक हुआ तो उसने अपनी हानि भी कवर कर ली और 5% का लाभ भी लिया, तो हानि लाभ जुड़ जाएगा, 14% के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम अधिक बराबर अधिक से जैसे ही काटेंगे तो घड़ी का क्रय मूल्य आ जाएगा 14 धाम 140% की 20, यह आ गया घड़ी का क्रय मूल्य, आ गया 1000 रुपये, यह रहा क्रय मूल्य आ गया 1000 रुपये। बहुत ही आसान सरल शब्दों में आपके सामने ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 66 भी बहुत अच्छा प्यारा सवाल है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से होगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है, अगर लागत मूल्य 100 है वह उसको बेचता है 105 की, क्लियर, यदि उसने भुगतान किया, जितना भुगतान किया उसे 5% कम पर उसे खरीदा होता, देखो इसे 5% कम पर खरीदा होता यानी कि 95,
मैं खरीदा होता और 2 रुपये कम पर बेचा होता। ये 2 रुपये कम इधर लिखेंगे क्योंकि लास्ट में कम बराबर कम, कम बराबर कम इस नियम से हमें सोल्व करना है। 2 रुपये कम पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। लाभ क्रय मूल्य पर लिया जाता है, 110% का बटे 100, तो वह उसको बेच देता। कितने में देख लीजिए, 00 11 55 5 11 99 और 104 104, 10 से भाग करेंगे 104.5 में बेचेगा। अब देखिए 105 में बेच रहा था पहले, अब जैसे ही उसने उसे 2 रुपये कम पर बेचा तो इधर उसका परसेंट भी कम हो गया 0.5%। 105 की चीज़ 104.5 में बेचेगा तो 0.5% कम हो गया विक्रय मूल्य। तो कम बराबर कम करेंगे, देखो एक अंक छोड़ कर 10 की 0 5 4 20% की 2 0 ये लगी। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। वस्तु का लागत मूल्य था 400 रुपया। बहुत ही प्यारा सवाल और आसान सवाल आपके सामने, 400 रुपया। क्वेश्चन नंबर 67 देखो। क्वेश्चन नंबर 67, एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, यदि क्रय मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 5 रुपये 75 पैसे अधिक होता तो 30% का लाभ होता। 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, चलिए देखते हैं। खरीदी 100 में, बेची 12 के लाभ पर 112 में, क्लियर। यदि क्रय मूल्य 10% कम होता, 90 में खरीदा होता और विक्रय मूल्य 5 रुपये 75 पैसे अधिक होता, 5 रुपये 75 पैसे अधिक, बराबर अधिक लगेगा यहाँ पर नियम, तो 30 का लाभ होता इस पर, 130% में बेचता। परसेंट से 2 0 13 9 117 में बेचता। अब देखिए कितना अधिक पड़ रहा है उसे, 112 से 117 5% अधिक, क्लियर। तो यहाँ से हमारा विक्रय से विक्रय काटेंगे क्रय मूल्य आ जाएगा। अब लाभ या हानि क्रय मूल्य पर लिया जाता है। 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना, यही पर ही 20 की गुणा कर दीजिए, यानी कि 120 की, 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना है। देखो सिंपल सा तरीका, परसेंट से मैंने परसेंट को काटा, अब हम क्या करेंगे 5 से काट देंगे इसे, 5 5 5 5 5 25, क्लियर। और 120 गुणा 1.15 की गुणा करेंगे, देखो 0 12 5 60, 6 12 12, 6 18 हासिल, 1 12 12 और 1 13, 2 अंक छोड़कर 10 लगेगा, तो यानी कि 138 रुपये हो गया। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, बड़ा आसान सिंपल तरीके से, ऑप्शन सी ये रहा। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। ए ने एक वस्तु को बी को 25% के लाभ पर बेचा, तो ए ने कोई वस्तु खरीदी होगी और उसे उसने बी को 25 के लाभ पर बेचा, 5/4 होता है 25% का लाभ, और बी ने सी को 20 की हानि पर, वो 20 के लाभ पर बेचा, 20 का लाभ हो गया 6/5, और सी ने जे 45% की हानि पर डी को बेचा, 45 की हानि है 55% में बेचेगा, 55% का बटे 100, 5 से 11 बार, 5 से 20 बार, यहाँ लिख देंगे 11/20 में बेचा, और डी ने उसके पैसे दिए भुगतान रूप में 330 रुपये, तो बी ने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। सबसे पहले देखेंगे ए ने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, देखो 5 से 5 11 6 66 5 66 5 330। अब देखो 4 5 20, 20 की गुणा करेंगे 4, देखो या यूं कर लो 20 4 80 8 5 40, 400 रुपये। अब देखिए 400 रुपये में तो ए ने वस्तु को खरीदा, ए ने खरीदा, अब पूछा है बी ने, तो बी ने क्या किया, ए ने इस खरीदी गई वस्तु को 25% लाभ पर बी को बेचा, तो बी ने खरीदा 5/4 में, 4 से इसको काटेंगे 100 बार, 100 5 500, बी ने 500 रुपये में उसे खरीदा। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, तो बी ने उसे खरीदा था 500 रुपये में। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। क्वेश्चन नंबर 69,
एक वस्तु पर निर्माता 12% का लाभ कमाता है, थोक विक्रेता 10% का लाभ कमाता है और खुदरा विक्रेता 15% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का खुदरा विक्रय मूल्य इतना है तो निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य बताना। अब देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में करेंगे, वस्तु का लागत मूल्य पूछा है तो यानी कि क्रय मूल्य, तो वस्तु के क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि लिखा जाता है। देखिए इस पर एक वस्तु निर्माता 12% का लाभ कमाता है, इस पर 112 लिखेंगे, 100 में जोड़कर 112%। थोक विक्रेता 10% का लाभ कमाता है, 110/100 और खुदरा विक्रेता 15% 115/100। यदि वस्तु का खुदरा विक्रय मूल्य बराबर हो गया 56672 तो लागत मूल्य बताए। देखिए ये है वो इक्वल टू इक्वल बराबर बराबर के क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालना है। जीरो से जीरो काटा मैंने, 5 × 10, 5 × 10, 5 × 15, 256 काटा। देखिए 56 से इसको काटूंगा, 56 × 56, 6 में 8 नहीं जलती, 0, 56 × 56, 56 × 2 = 112, क्लियर। अब हम इसको 11 से काटेंगे, 11 × 99 = 2, 11 × 2 = 22, 23 × 4 = 92, कटिंग। अब देखेंगे 2 0 ये 2 ये, 4 0 लगा देंगे 4 के बाद, 1 2 3 4, 40,000। देखिए वस्तु का लागत मूल्य था 40,000 रुपये, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सॉल्यूशन में आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, एक वस्तु को 210 रुपये 80 पैसे में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 210 रुपये 80 पैसे में बेचने पर 15 की हानि, 85% में बेचता है, 9.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 9 लाभ 100 में जोड़कर लिखेंगे, 109.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखिए ये हो गया इक्वल टू इक्वल, सबसे पहले हम परसेंट से परसेंट हटाएंगे, क्लियर। और 17 से काटेंगे, 17 × 85, 17 × 17, 4 हो गए 40, 17 × 2 = 34, 6.1717 = 68, 0, क्लियर। 5 से काटेंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 5, 4 × 5 = 45। अब देखो यहाँ पर गुणा करेंगे, ये 9 × 36, 0 तो हटा देंगे क्योंकि 0.0 की कोई वैल्यू नहीं रहती बाद में, 9 × 36, इकाई अंक 6 आना चाहिए। देखिए इकाई अंक 6 आ रहा है यहाँ पर, 0.6 ये रहा, तो इसका मतलब यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है कैलकुलेशन करने पर। बस यहाँ से हम टेक्निक से पता लगा लेते हैं और क्वेश्चन का आंसर आसान हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं 271 रुपये 56 पैसे, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, एक सब्जी विक्रेता थोक बाजार से 4500 रुपये में सब्जी खरीदता है। देखिए 4500 रुपये में सब्जी खरीदता है, यदि ओवरहेड खर्च क्रय मूल्य का 4% है, इसी पर 100 में जोड़कर लिखेंगे, 104/100, और 15% का 100 में जोड़कर लिखेंगे, लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। बस 2 0 से 2 0, 5 × 45, 5 × 10 = 0, 5 × 20 और 5 × 10 = 15, क्लियर। 4 से काटेंगे, 4 × 8, 4 × 6 = 24। अब देखो गुणा करेंगे, 9 26 × 23, देखो इकाई अंकों की गुणा करेंगे, 3 × 6 = 18, 8 × 9 = 72, इकाई अंक 2 आएगा, तो जिसका इकाई अंक 2 होगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ये रहा, ऑप्शन बी इज राइट, 5382। देखिए 5382 रुपये, लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 5382। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, अहमद 5200 रुपये में एक पुराना स्कूटर खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 800 रुपये लगाता है, तो उसका लागत मूल्य हो गया 6000 रुपये, 5200 + 800 6000 रुपये, और वह उसको बेच देता है 6600 रुपये में।
तो उसने कितने परसेंट का लाभ कमाया। एक जीरो से मैंने एक जीरो काटा, छः से एक सौ बार, सौ के अकॉर्डिंग लाभ देखेंगे हम, छः कम छः, छः कम छः, तो देखिए 10% का लाभ, तो हमें 10% का लाभ मिलेगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, बड़ा आसान और सिंपल। क्वेश्चन नंबर 73, किसी वस्तु के एक तय मूल्य पर, किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया, बेचा गया यानी कि विक्रय मूल्य 100 है किसी वस्तु का, बेचा गया ना, ये एक तय मूल्य पर बेचा गया, कोई निश्चित मूल्य करके उसे बेचा गया, इसे उस मूल्य के 4/5 हिस्से पर बेचा गया, कितने पर बेचा गया देखें, 100 का 4/5 हिस्सा, 5 × 10 = 20 = 80 में बेचा गया, तो 16% की हानि होती है। देखिए जब 80 में बेचा जाता है तो 16 की हानि होती है, 84% में बेचा जाएगा, तो विक्रय से विक्रय काटेंगे क्रय मूल्य आ जाएगा, परसेंट की 2 जीरो, 4 × 8, 4 × 4, 4 × 8, 2000/21 क्या हुआ, ये क्रय मूल्य। हमें लाभ निकालना है, लाभ, लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय, विक्रय हो गया 100 - 2000/21, इसकी गुणा करके हल करेंगे 100/21, ये हो गया हमारा लाभ। अब हम लाभ परसेंट निकालेंगे, देखिए लाभ परसेंट कितना होता है, लाभ 100/21, ये तो लाभ हो गया, बटे क्रय मूल्य हो गया ये 2000/21, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब 21 से 21 काटा, 1, 2, 3, 1, 2, 3 जीरो से 3 जीरो, 10/2, 2 × 5 = 10, 5% का उसे लाभ हुआ। देखो ये है स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बड़ा खतरनाक और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, 5% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 74, राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा, यदि वह एक चौथाई गेहूं 12% लाभ पर बेचता, देखिए एक चौथाई गेहूं 12% के लाभ पर बेचता तो 15% लाभ कमाता, तो उसे शेष गेहूं को कितने परसेंट लाभ पर बेचना। अब शेष गेहूं 4 में से घटाएंगे, 3/4, कितने परसेंट लाभ पर बेचना है जिससे कि उसे 15% का लाभ हो, 15% का लाभ हो, ऐसा कुल लाभ हो 15% का। अब इसको हल करेंगे, 4 × 3 = 3%, तो 3/4 गुणा कितना परसेंट बराबर, 15 में से 3 घटाएंगे 12%, परसेंट से परसेंट काटा, 3 × 12, 4 × 16, 16% का लाभ होगा। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 16% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 75, देखो 75 नंबर क्वेश्चन, सामान का एक तिहाई हिस्सा 15% लाभ पर बेचा जाता है, एक तिहाई हिस्सा 15% के लाभ पर बेचा जाता है, सामान का 25% हिस्सा, 25% होता है एक चौथाई, 20% के लाभ पर बेचा जाता है, और शेष सामान का 10% की हानि पर बेचा जाता है, शेष कितना रह गया, 1/3 + 1/4, तो ये हो गया 4 × 3 = 7/12, तो शेष 12 में से 7 घटाएंगे, 5/12, ये हो गया शेष, 5/12 को उसने 10% की हानि पर बेचा, और इस प्रकार उसे लेन देन में ₹350 का लाभ हुआ। देखिए इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश, सामान का वास्तविक मूल्य बताना, तो यहाँ पर हमने एलसीएम 12 लिया, 3 × 12 और 15 × 4 = 60% प्लस 4 × 12 और 20 × 60% माइनस आएगा, प्लस माइनस 12 × 12, 10 × 5 = 50% बराबर हो गया 350 के। अब देखो 60 में से 50 गए 10, 10 और 60 70% 2/12 बराबर हो गया 350, 7 × 5 = 35, 12 × 5 = 60 और परसेंट की 2 जीरो ये लगी। देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ₹6000, तो वास्तविक मूल्य था ₹6000, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बड़ा इजी और सरल तरीका, वही तरीका इक्वल टू इक्वल से आपके हर क्वेश्चन हो जाएंगे।